हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। मैं गौतम, और जो है आज कल जो है प्रॉफिट लॉस का जो है टाइप वन पढ़ाए हैं, और आज जो है टाइप टू पढ़ाने वाले हैं, बराबर वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो है हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे बीएसएससी में जो है पूछा गया था, और ये जो है क्वेश्चन बैंक से भी आया हुआ प्रश्न है। ये जो है हमेशा पूछे जाते हैं, ये भी तौर पर है प्रश्न, बराबर वाले प्रश्न हैं, है ना। इस तरह के प्रश्न कैसे होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देते हैं कि अगर ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखिएगा, आप मेरे प्रिपरेशन को समझिएगा मैथ के, तभी आपको समझ में आना है, नहीं तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। और बहुत बारीकी तरीका से समझाएंगे जो कि आपको समझ में आएगा। अगर नहीं फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट में कमेंट आप कर सकते हैं। तो कैसे इस तरह के प्रश्न में आता है कि किसी वस्तु का है ना क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत हानि होगा, है ना, या फिर कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो इस तरह के प्रश्न आता है, आप प्रश्न बनाते चलिए, आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न पहला है कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो आप लोग जानते हैं कि क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, और बस इसी तरह कर देना है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों के बराबर है। तो जो है रेशियो का फंडा अपनाएंगे फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न में रेशियो का फंडा अपनाते हैं। 3 × 12, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, इस तरह के प्रश्न में रेशियो का फंडा अपनाते हैं। तो किस तरह होगा, हमको रेशियो दोनों का रेशियो कर निकालना है, ठीक है, अनुपात टाइप के निकालना है। तो क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, CP कितना निकल जाएगा, 4 हो जाएगा, और SP हो जाएगा 3, यानी CP अनुपात SP, CP अनुपात क्या करेंगे SP, अगर CP अनुपात SP करते हैं तो हमारा CP कितना हो गया, 4 हो गया फ्रेंड्स, और SP हो गया 3, समझिएगा, है ना, रेशियो के फंडा से बता रहे हैं। ओके फ्रेंड, इस तरह के प्रश्न रेशियो के फंडा से बनता है, बराबर वाले प्रश्न। अब जो है क्या हो जाएगा, अब समझिएगा, तो जो है अब क्या करा कि हानि कितना होगा, तो हानि प्रतिशत, तो हानि बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि हानि बराबर होता है क्या, क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य से, तो बता यहाँ पर, नहीं तो यहाँ कर देते फ्रेंड्स कि SP - CP, ओके, जब सॉरी CP - SP, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगा। तो CP कितना निकल गया, CP हमारा यहाँ पर देख लीजिएगा कि CP के मान निकला है 4, और SP के निकला है 3, यानी कि हानि हमारा हो गया कितना, एक रुपया हानि हुआ। अब बोल रहा कि हानि, जब हानि निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, फिर हानि प्रतिशत निकालेंगे। ओके फ्रेंड, तो फिर क्या निकालेंगे, हानि प्रतिशत। अब तो है आपको पता होना चाहिए कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है क्या होता है कि हानि, है ना, हानि बटा क्रय मूल्य, है ना, हानि की यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स, हानि बटा CP समझिएगा, यहाँ पर CP है, हानि बटा CP इंटू 100। ओके, तो हानि हमारा कितना हो गया, अब आपको जानना है कि हानि हमारा निकला एक रुपया जो निकला था, तो एक बटा, यहाँ पर फ्रेंड देख लीजिएगा कि हानि कितना निकला था, एक रुपया निकला था, और CP कितना निकला है, तो CP कितना है, तो आपको बताना है कि CP जो है 4 रुपया है, और इंटू 100, तो ये 25 × 100, यानी कि हमारा हानि कितना हो गया, 25% हो गया। तो इस तरह के प्रश्न में फ्रेंड्स इसी तरह का जो है सॉल्व होता है। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा, क्या किए पहले कि जो इस तरह के प्रश्न में जो है पहले कह रहा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य किए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के पहले ले लिए 16 रुपया विक्रय मूल्य था। अब जो है रेशियो के अनुपात के फंडा में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो CP SP रेशियो में निकालते हैं। तो CP निकालने के लिए क्या होता है कि CP इस तरह इधर से बराबर किए 4, इधर SP किए 3, CP और SP का मान निकल गया। अब जो है हानि बराबर क्या होता है, CP - SP, यानी कि इससे घटा दिए तो हानि 1 रुपया निकला। हानि प्रतिशत आप लोग जानते हैं कि हानि बटा CP इंटू 100, यानी कि काट दिए तो 25% हमारा हानि हो गया। तो इस तरह बराबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है, फिर भी कोई कमेंट
इंक्वायरी हो तो हमसे जो है कमेंट करें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि यदि 25 वस्तुओं का क्रयमूल 20 वस्तुओं के क्या है, कि 25 वस्तुओं का क्रयमूल 20 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है। तो हमारा अब देखिए बाबा यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रयमूल, यानी कि हमारा 25 वस्तुओं का क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा, आप ही बनाइएगा। और फिर क्या कह रहा कि जो है 20 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है, 20 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है। आपको पता, इसको पता होना चाहिए कि इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं क्रयमूल, ये विक्रयमूल होता है। अब इसको काटता है तो काट दीजिए 25 25 5 20। अब हमारा निकल गया 5 सीपी बराबर क्या हो गया 4 एसपी। अब जो है हमारा जो है वही रेशियो के फंडा अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह के, तो सीपी हमारा सीपी रेशियो एसपी, तो सीपी हमारा कितना निकल गया, सीपी का मान निकल गया 4। यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा फ्रेंड्स, सीपी का मान हो गया 4 और एसपी का मान हो गया 5। अब जो है ये निकल गया, यही निकालना है। तो उसके बाद अब हमको क्या कह रहा कि जो है हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि में आपको हम बताए हैं कि हानि निकालने के लिए क्या होता है कि सीपी माइनस एसपी होता है, ठीक है, क्रयमूल घटाओ विक्रयमूल। तो सीपी कितना है ना, तो आपको बताना है, तो यहाँ पे क्रयमूल आपको बताना है कि कितना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है कि लाभ या हानि का गणना करें तो क्या होगा। अगर देखिए उसमें प्रश्न में बोल रहा कि लाभ या हानि की गणना करें, इसमें भी देखना है प्रश्न फ्रेंड्स। तो जब सीपी निकल गया 4 और एसपी, सीपी जो है एसपी से छोटा हो गया तो क्या होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। लाभ बराबर क्या होता है, एसपी घटाओ हानि की विक्रयमूल घटाओ सीपी। यहाँ कह रहा, देखिए दो चीज़ में ध्यान देना है कि आपको उसमें केवल कह रहा था प्रश्न में कि हानि ज्ञात करिए, इसमें कह रहा लाभ या हानि निकलना, क्या निकलेगा आप समझिएगा। तो लाभ इसमें निकलेगा है ना, क्योंकि जो है एसपी बड़ा हो गया। लाभ बराबर विक्रयमूल घटाओ क्रयमूल होता है, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कितना लाभ आया, 1 आया। अब जो है यहाँ देखना है कि लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा 100 इंटू क्रयमूल, सॉरी सीपी इंटू 100। लाभ कितना निकला 1 रुपया, और हमारा क्रयमूल कितना था, क्रयमूल आपको बताना है। तो क्रयमूल अगर कितना है तो 4 रुपया और इंटू 100, यानी कि हमारा हो जाएगा 25% क्या निकला, लाभ निकला। आपको बताना है कि 25% यहाँ पर हमारा क्या निकला, लाभ निकला, तो ये बताना है। तो सारे प्रश्न जो है इसी तरह का फ्रेंड्स एग्जाम में आते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न समझते हैं। कह रहा है कि 50 संतरे, ओके फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि 50 संतरे का क्रयमूल जो है 40 संतरों के विक्रयमूल के बराबर है। तो 50 संतरों का क्रयमूल बोल रहा है, हमारा क्या हो जाएगा, बस उसी टाइप के आपको 40 सीपी लगा देना है। क्या कह रहा कि 50 संतरे का क्रयमूल, सॉरी 50 संतरे का क्रयमूल जो है 40 संतरों के विक्रयमूल के बराबर है। दोनों इसका जो है क्रयमूल इसके क्रयमूल के बराबर है, बस रेशियो के अनुपात में उसको रेशियो में जो है कन्वर्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा। आपको 50 क्रयमूल इंटू 40 विक्रयमूल, अब जो है 0 से 0 इसको काट देंगे तो कितना हो गया 5 सीपी बराबर आपको बताना है 4 एसपी। अब जो है कन्वर्ट कीजिए तो रेशियो के फंडा में कन्वर्ट कीजिए तो सीपी और क्या निकालना है, सीपी अनुपात एसपी निकालना है ना, इसका मान निकालना है। तो सीपी का मान हमारा हो गया 4 और एसपी का मान हो गया हमारा 5, ठीक है। अब जो है क्या कह रहा कि हमें जो है क्या करना है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो आपको जाहिर सी बात यहाँ देख लेना है कि एसपी अगर बड़ा हो गया तो क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा है ना। एसपी अगर बड़ा हो गया यानी विक्रयमूल बड़ा हो गया तो लाभ निकलेगा, और विक्रयमूल छोटा हो गया, क्रयमूल बड़ा हो गया तो क्या निकलेगा, हानि निकलेगा। इसमें हमें लाभ निकालना है। लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 5
माइनस चार यानी कि एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। ओके पेन, अब जो है अब हमको लाभ ही प्रतिशत निकालना है। यहाँ क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा सी पी इंटू सौ। ओके पेन, लाभ कितना निकला एक रुपया, सी पी आपको बताना है कि सी पी कितना निकला, तो सी पी आपको बताना है, तो सी पी जो निकला तो वो निकला है कितना है, तो वो है हमारा चार इंटू सौ, इसमें भी कितना हो जाएगा हमारा 25% आने की लाभ निकला, तो ये आपको बताना है। तो ये आशा करते ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो अब जो है चलिए इसी टाइप का प्रश्न आगे भी बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा, चार नंबर क्या कह रहा कि 36 किताब का क्रय मूल्य है ना, जो है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बस उसी तरह करना है, 36 पुस्तकों का बराबर जहाँ पर यहाँ मिले, बराबर वाला खेला है ना, तो बराबर आपको देखना है 36 किताबों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आने की क्या हो जाएगा सी पी है ना। और क्या कह रहा है कि आपको जो है 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, बस बराबर करना है, बस उसी रेशियो के अनुपात में डाल लीजिए सी पी अनुपात एस पी है ना। तो इसका मान आपको अब बताना है, तो 6×36 आपको काट देना, 6×5=30 यानी कि इससे बस ऐसे कीजिए, एक स्टेप और लीजिए, 6 CP = 5 SP है ना। और आपको क्या करना है, सी पी का मान 5 हो गया और जो है एस पी का मान कितना हो गया, 6 हो गया, यानी सी पी रेशियो एस पी, यानी सी पी का मान कितना हो गया, 5 हो गया हमारा, और एस पी का मान कितना हो गया, 6 हो गया, यह तो ये निकल गया। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा जो है बड़ा है कौन छोटा है, अगर क्रय मूल्य बड़ा रहेगा तो हानि निकले नहीं होगा, अगर क्रय मूल्य छोटा रहेगा, विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तो लाभ होगा, क्रय मूल्य अगर बड़ा रहेगा तो हानि निकलेगा और क्रय मूल्य छोटा रहेगा, विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तो लाभ निकलेगा। तो इसमें देखना है कि हमें जो है हमारा जो है विक्रय मूल्य बड़ा है, यानी कि इसमें क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा, लाभ प्रति लाभ क्या होगा, लाभ बराबर क्या होता है एस पी माइनस सी पी। अब आपको करना क्या है, आपको अब इसमें 6 - 5 यानी कि लाभ कितना निकला आपको बताना है, एक रुपया लाभ निकला, लाभ हमारा कितना निकला एक रुपया निकला। अब जो है इसको क्या करना है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत आपको जानते हैं कि क्या होता है, लाभ प्रतिशत आपको निकाल देना है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, सॉरी सी पी इंटू सौ, लाभ कितना निकला 1 और सी पी हमारा कितना है, सी पी है तो 5 और इंटू सौ यानी कि हमारा कट जाएगा, तो यानी कि लाभ प्रतिशत कितना निकला, इस तरह के प्रश्न में 20% हमारा लाभ निकला। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, देखिए क्या कह रहा 5 नंबर कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बस इसी तरह कह रहा, तो आपको बता देना है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य कह रहा तो यानी सेलिंग प्राइस कह रहा होगा, कितने वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कह रहा, तो 5 वस्तुओं का जो है सेलिंग प्राइस कह रहा है, आपको बताना है कि जो है 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कह रहा है, ठीक है, कितना कह रहा है। और जो है 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य है ना, यानी कि 3 वस्तुओं का सी पी, दोनों बराबर हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो है, तो आपको पहले वही रेशियो के अनुपात में आपको ध्यान रखना है कि कन्वर्ट करना है सी पी और एस पी, तो हमारा जो है सी पी और एस पी आपको निकाल लेना है, कितना निकला, तो सी पी हमारा निकला बताना है 5 निकला और एस पी हमारा निकला 3 निकला, इस तरह रेशियो में कन्वर्ट करना है। अब जो है क्या कह रहा है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि आपको देखना है कि क्या जो है, तो इसमें आपको देखना है कि विक्रय मूल्य बड़ा है कि जो है क्रय मूल्य बड़ा है, तो हम आप देख रहे हैं कि इसमें क्रय मूल्य बड़ा है, तो क्रय मूल्य बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इसमें हानि निकलेगा, क्रय मूल्य अगर बड़ा रहेगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य यानी सी पी माइनस एस पी,
तो सी पी कितना हो गया, सी पी हमारा हो गया 5, और जो है ये हो गया 3, तो हानि हमारा कितना हो गया, हानि निकल के आया 2 रुपया, 2 रुपया हानि आया। अब इस तरह जो है हानि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य इंटू 100, तो हानि कितना निकला 2, और क्रय मूल्य हमारा कितना था 3 था, हमारा क्रय मूल्य कितना था आपको बताना है कि क्रय मूल्य जो सॉरी क्रय मूल्य हमारा 5 था, यहाँ पर क्रय मूल्य 5 है, और जो है यहाँ 100, यानी 20 बचे 100, यानी हानि कितना निकला, हानि लॉस प्रतिशत, हानि बराबर कितना निकला, तो ये जो है 40% हमारा हानि निकला, तो यही जो है आंसर था अपने, ठीक है। तो ये जो है आपको करना है, पहले कुछ नहीं करना है, पहले आपको देखना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कह रहा, तो इस तरह के फॉर्म में ला देंगे। उसके बाद में देखना है कि जो है आपको रेशियो के अनुपात में इसको जो है कन्वर्ट करना है, एसपी हमारा 3 हो जाएगा, इधर ये हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो जो है सीपी अनुपात क्रय मूल्य इसका जो मान निकालेंगे, तो जो है विक्रय मूल्य सीपी का मान निकला, सीपी का मान आप जान ही रहे 5 निकला, एसपी का मान जो है 3 निकला, यहाँ तक तो आप कन्फर्म हो गए होंगे। हानि बराबर क्या होता है कि क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, हानि बराबर 5 - 3, तो ये घटा तो हानि कितना निकला 2, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, हानि बटा हमारा जो है क्रय मूल्य कितना है 5 है इंटू 100, हानि कट जाएगा 30 × 40%, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा फ्रेंड्स कि यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो जो है लाभ या हानि क्या होगा, तो बस उसी तरह करना है। कह रहा 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आपको जो है 18 वस्तुओं का क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना, यानी कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि कितना वस्तुओं के कह रहा 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सॉरी यहाँ फ्रेंड्स 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कह रहा है, ठीक है, तो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कह रहा, तो अब जो है क्या हो जाएगा, काटता है तो काट लीजिए 2 × 18 = 16, यानी कि 9 सीपी बराबर 8 एसपी हो गया। उसके बाद रेशियो के अनुपात के अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे सीपी अनुपात एसपी। अब जो है सीपी का मान आपको बताना है, सीपी का मान यहाँ 8 हो गया, और जो है क्या कह रहा कि 18 वस्तु अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है सीपी का मान कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा, एसपी का मान कितना निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, सीपी अनुपात एसपी कितना निकला, यानी कि 8:9। अब आपको देखना है कि क्रय मूल्य बड़ा है या छोटा है, तो अगर बड़ा रहेगा तो हानि होगा और छोटा रहेगा तो लाभ निकलेगा, तो यहाँ पर आपको देखना है। तो इसी तरह जो है हम देखें तो ये जो है एसपी हम देख रहे हैं कि ये छोटा है, ठीक है, और विक्रय मूल्य बड़ा है, तो क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा सी एसपी माइनस सीपी, यानी कि 9 - 8, यानी लाभ हमारा निकल गया, लाभ निकल के आएगा कितना, 1 रुपया लाभ होगा। उसके बाद हमको क्या करना है, लाभ प्रतिशत देखना है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटा 100 सॉरी सीपी इंटू 100, यानी लाभ हमारा कितना निकला, 1 रुपया निकला था, सीपी हमारा था कितना 8 और इंटू 100, इससे काट देंगे हम तो 2 × 8 और 50 × 100, 2 × 4 और 25 × 50, इस तरह हम काटेंगे तो जो है हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 × 1/12% हमारा आंसर होगा। तो ये आपको आशा करता हूँ कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, और जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हम जो है कल लेके आएंगे फ्रेंड्स, अगर जो भी क्वायरी हो तो आप हमसे बोलें, कमेंट करें, और इस तरह के प्रश्न जो है हमेशा सब एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आप जो है इसे जो है वॉच करें,
और जो भी नहीं समझ में जहाँ आए तो आप हमसे पूछेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।